बचपन में पढ़ाई के साथ साथ बकरी चराना, घर का खर्च चलाने के लिए सब्जी बेचना, पिता का हाथ बटाने के लिए खेत में काम करना, अपनी गरीबी पर दोस्तों के मजाक और ताने सहना और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। लेकिन इस सब के बावजूद अपनी नन्ही आंखों में एक डॉक्टर बनने का सपना पालना। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गरीब घरों के छोटे छोटे बच्चों के बड़े बड़े ख्वाबों को नामुमकिन मानते हैं, ये सोचते हैं कि उन बच्चों के वो ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, तो आशाराम की कहानी आपके लिए है। आशाराम, डॉक्टर बनना है, ये सपना सबसे पहले कब देखा था? सबसे पहले मैंने फिफ्थ क्लास में देखा था। जब फिफ्थ क्लास में हम दत्तोत्तर गांव में रहते थे, एक बार मुझे बुखार आया था, इनफैक्ट मुझे टाइफाइड हुआ था उस टाइम, तो हम डॉक्टर के पास गए थे। तो वहाँ पे जाके देखा कि मतलब पापा अपना काम छोड़ के आए थे, मतलब काम कर रहे थे, दूसरे खेतों में काम करते हैं तो क्या होता है, बीच में ब्रेक मिलता है, जो 2 बजे से 3 बजे तक बीच में छुट्टी मिलती है एक तरह की खाना खाने के लिए। तो उस टाइम लेके गए थे, तो लेके गए वहाँ पे डॉक्टर ने इलाज किया। इलाज करने में क्या, मतलब दवाई लिख दी और बोला कि आपको मेडिकल से दवाई लेना है, वो लाके एक बार दिखाना है, लाके दवाई दिखाए, दवाई दिखाने के बाद बोला आप 50 रुपीज़ दे दीजिए। और उस टाइम मतलब इनफैक्ट 50 रुपीज़ ही मिलता था, मतलब एक दिन का, अभी तो ज़्यादा हो गया, लेकिन उस टाइम 50 रुपीज़ ही मिलता आपके पापा को। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि मतलब एक दिन का पापा को 50 रुपीज़ मिलता है, पूरे दिन काम करते हैं, और यहाँ पे आओ एक डॉक्टर साहब भी बोलो और 50 रुपीज़ भी दो, वो भी लिखा सिर्फ लिखने का। तो सोचा नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है। क्या बात है। तो थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताओ। पापा आपके शायद कचड़ा बीनते थे? थोड़ा पापा मतलब जैसे कि अभी क्या था कि पापा के पाँव में मतलब वो है कील है, गांव में कील बोलते हैं, तो पापा के पाँव में वो है, तो एक पाँव से चल नहीं पाते हैं, तो खेतों में काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा बोझ नहीं उठा पाते हैं, तो मतलब खेतों में लोग काम के लिए ले जाने के लिए मना कर देते हैं कि मतलब क्या करेंगे काम करके, वो वहाँ जाते भी है तो काम के नहीं कर पाते। फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, ठीक है जितना बनता है उतना कचरा बीन के ही उसको बेच के जो पैसा आएगा उसी से घर तो चल ही जाएगा, ये होता था। मम्मी काम पे चली जाती थी या फिर मम्मी भी बहुत बार बीमार रहती थी या ये ऐसे कुछ रहता था, तो घर पे ही रहना पड़ता था। तो मतलब पापा कचरा भी बीनते थे, खेतों में भी काम करते थे? हाँ, जैसे मतलब हल्का काम मिल रहा है तो खेतों में काम कर लेंगे, अगर कोई भारी काम मिल रहा है तो वो तो कर नहीं पाते थे, एक पाँव से विकलांग थे, तो उस टाइम कचरा बीनते थे। हम लोग उस टाइम पढ़ाई भी कर रहे थे तो प्राइवेट स्कूल में कर रहे थे, और उसमें प्राइवेट स्कूल में नोटबुक लाना है, पेन लाना है, बुक्स लाना है, फिर इकट्ठे करके हर महीने वो भी भरना है, फीस भी भरना है, मतलब उसमें फिर भी टीचर वो कर देते थे कि ठीक है इस महीने का आप नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं। अच्छा। या फिर इस महीने का नहीं दे पा रहे नेक्स्ट मंथ दे देना, लेकिन फिर भी बुक्स वगैरह पेन वगैरह बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहता है उसके लिए तो चले जाता था। पढ़ाई की शुरुआत आपने सरकारी स्कूल से की थी? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में दत्तोत्तर में। वैसे तो मैं तोबरीखेड़ा तराना के पास उज्जैन जिला में तोबरीखेड़ा है, वहाँ पर 1 साल पढ़ा गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल में गया। तो पापा के लिए क्या मुश्किल था सरकारी स्कूल से एकदम प्राइवेट स्कूल में करना, फीस के पैसे? मतलब हमारे मतलब गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे कुछ, तो वो बोले कि मतलब इनको प्राइवेट स्कूल में डालना है। पापा बोले कि प्राइवेट स्कूल मतलब गांव की भाषा में बोले कि प्राइवेट स्कूल में कहाँ डालेंगे, इतना पैसा ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आपसे जितना बने इतना आप दीजिए, पहले साल का मैं दूंगा। तो पहले साल का वो दिए था आधा, आधा पापा दिए थे, फिर दूसरे साल का ऐसा हुआ, फिर तीसरे साल से पापा ने बोला कि अब मैं खुद देना, मतलब वो कर दूंगा इतना मैं कर पा रहा हूँ। अरे वाह, तो 2 साल आपकी फीस कोई टीचर ने आपके दी? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल के मतलब टीचर थे उन्होंने। क्या बात है, क्या नाम है उनका? उनका एक तो कमल पाटीदार नाम है, ईश्वर पाटीदार। कैसे पढ़ाई में कैसे थे आप बचपन में? मतलब जैसे गवर्नमेंट स्कूल में था 3rd क्लास तक, तो उस टाइम तक तो मतलब बस ये स्टोरी पढ़ना है, जोक पढ़ना है, ये है, इसी में ये रहता था, ऐसा पढ़ाई का ये कुछ ज़्यादा नहीं रहता, एक तरह से मतलब ऐसा फील होता था। हाँ, डफर नाम लिखना भी नहीं आता था इंग्लिश में। उसके बाद में जब 1st क्लास में मॉडल गवर्नमेंट स्कूल में गया, तो वहाँ जब बच्चे थे तो मतलब पूरा इंग्लिश जैसा माहौल था प्राइवेट स्कूल का, वो मैं गया तो सब कुछ हिंदी, मतलब वो मतलब अंदर आने के बाद मैं आई कमीन मैडम अंदर आ जाऊँ, तो थोड़ा अजीब सा लगता था। और 1st क्लास में मैडम भी बोलती रहती है पूरा डफर है कुछ नहीं आएगा, तो ठीक है मतलब धीरे 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 कवर हुआ। 5th क्लास तक आया था, तो 5th क्लास में ये हो गया था कि नवोदय में पास करेगा, कौन पास करेगा, अच्छा आश्रम पास करेगा, तेरा तो हो ही जाएगा, मतलब बच्चे ऐसा बोलते हैं। पढ़ाई में होशियार हो गए? हाँ, उस टाइम तक इतना हो गया था कि मतलब बोल रहे थे तेरा तो हो ही जाएगा। और उस टाइम कुछ 75 बच्चे हम कोचिंग कर रहे थे नवोदय स्कूल के लिए, मेरे स्कूल से मेरे एरिया से हम जो कोचिंग कर रहे थे 75, उसमें से मैं ही सिलेक्टेड थे नवोदय। तो कौन सी क्लास से फिर आप नवोदय में चले गए थे? 5th क्लास मैंने मतलब वहाँ पे किया, 5th क्लास में साथ में उसकी पढ़ाई भी करता गया नवोदय की, और 6th से मैं नवोदय में पढ़ा, 6th से 12th। जब गाँव से, जब सरकारी स्कूल से इसमें इंग्लिश मीडियम में आए, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बच्चों ने मजाक उड़ाया या आपको बहुत बुरा लगा?
हाँ कुछ कुछ बच्चे हैं, मतलब वो ऐसा था कि हम मजाक इसलिए भी उड़ाते थे क्योंकि मतलब मैं क्या करता था जब छोटा था तो हमारे यहाँ मतलब कुछ बूढ़े लोग हुआ करते थे, वो कुछ काम नहीं है तो बकरी चराने का काम करते थे, तो मैं उनके साथ बकरी चराने जाता था। हमको क्या करते थे मतलब एक दिन में 25 बकरी ले जाना होता था और दो दिन के हमको 40 रुपये मिलते थे। मैं और मेरा भाई दोनों जाते थे बकरी चरा के आते थे। हम क्या करते थे मतलब उधर जाते थे तो अब क्या करते थे मतलब पूरा अंडरवियर पहन के ही जाते थे, गाँव में तो ऐसे ही रहते हैं, ऊपर के कपड़े कोई नहीं पहनते थे, उसके कारण थोड़ा मजाक उड़ाते थे। फिर ये है कि पढ़ने में तो वैसे ही डफर थे तो बोलते थे कि क्या करते हो मैडम, मैडम एकदम चिल्लाती क्या करते हो घर पे, तो बच्चे भी बकरी चराते हैं मैडम। माय गॉड, कभी सोचा होगा किसी ने कि जिसको हम डफर डफर कह रहे हैं, कोई टीचर भी जिसको बच्चे को डफर कह रही है वो बच्चा एम्स में एक दिन सिलेक्ट हो जाता है। हाँ उन्हीं टीचर के कारण है ना, वो तो उन टीचर के कारण है। हाँ वही मतलब अगर वो लोग नहीं बोलते नहीं पढ़ाते मतलब हाँ बोल दिया वो ठीक है, लेकिन आज यहाँ पे तो टीचर लोगों के कारण है। क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, पिता कचरा बीनते हैं या पैर में प्रॉब्लम है या ज़्यादा मजदूरी नहीं कर पाते या पैसे नहीं है घर में, इन चीज़ों की वजह से कभी बहुत बुरा लगता था कि वो खर्चा नहीं कर सकता जो दूसरे बच्चे कर रहे हैं? हाँ कभी कभी लगता था, मतलब जब मैं इवन दक्षिणा में भी पढ़ रहा था तो मेरे साथ बहुत बार ये ख्याल आते थे मन में, और जब कब आते थे जब मैं रात को सोने लगता था क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं होता है सोचने के अलावा, तो जब तक नींद नहीं आता था तब तक सोचता है ऐसा ही क्यों है, अच्छा मेरे जैसा उसका भी हालत होगा, नहीं उसके पापा तो गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं उसके पापा ये है, फिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों है, मैं ऐसे सोचता था। फिर उसके बाद में फर्स्ट बार जब मेरा नाम आया था पेपर में तो मेरे बायो टीचर जो थे वो फेवरेट टीचर है, तो मैंने उनको कॉल किया तो सर को बोला कि सर मेरा ही नाम क्यों आया, मतलब मेरे कॉलेज में तो 100 बच्चों का सीट है ना, 100 का सिलेक्शन हो गया। बोले कि तेरे को दोनों तरफ से शांति नहीं, जब पहले बोलता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों, अब बोलता है कि मेरे को ऐसा क्यों। उस टाइम थोड़ा मतलब पहले ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा, अब नहीं लगता, अब तो नॉर्मल लगता है कि ठीक है, अब तो जहाँ मतलब सब लोग रिसाइड कर रहे हैं वहीं पर है और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो सपना तो आपने कहा कि आप फिफ्थ में थे जब आप बीमार पड़े, आपको तब लगा कि डॉक्टर बनना चाहिए, भाई जल्दी पैसे मिल जाते हैं, लेकिन फिर मेडिकल की तैयारी कब शुरू करी? मेडिकल की तैयारी के मतलब 10th तक मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे 11th और 12th में क्या पढ़ना पड़ता है मेडिकल के लिए, बस पढ़ते जा रहे थे हाँ डॉक्टर बनना है, टीचर पूछते क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। फिर एक दक्षिणा फाउंडेशन का एक NGO है, मतलब मोनिस प्रोफेसर चलाते हैं अमेरिका के, तो वो NGO का एग्जाम दिए तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा था तो पता ये क्वेश्चन तो कहीं पढ़ा पढ़ा लग रहा है, तो वो अटैम्प्ट करके आया, लेकिन जब एग्जाम रूम से बाहर निकला था तो उसमें 25 क्वेश्चन थे, तो जो बच्चे बाहर मतलब हम 12 बच्चे एग्जाम देने गए थे तो एक बोल रहा ओ शिट एक क्वेश्चन छूट गया, एक बोल रहा अरे मेरा एक क्वेश्चन तो गलत हो गया, तो 24 ही हो गए। मैं सोच रहा हूँ मैं तो 18th अटैम्प्ट करके आया हूँ उसमें से कितने सही है कितने गलत, मैं सोचा अब तो पास होना है नहीं। फिर कॉल आया दक्षिणा से कि आपका सिलेक्शन हुआ आपको ज्वाइन करना है क्या, फिर दक्षिणा में गया फिर पता चला कि मेरे क्लस्टर रीजन से टोटल मतलब मेरे ही नवोदय से नहीं, हमारा एक रीजन होता है 7-8 नवोदय का, उस नवोदय से मेरा ही सिलेक्शन था, मतलब पूरे जहाँ एग्जाम देने गए थे उसमें मेरा ही सिलेक्शन था। आप जब ये महंगी महंगी कोचिंग से आए हुए बच्चों को देखते थे तो कभी ये लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा? हाँ वही एग्जाम तक लगता, लेकिन जब रिजल्ट आता था तब लगता नाटक करते हैं पूरा वो लोग नाटक करते हैं। हाँ मतलब हाँ कुछ कुछ लोग जेन्युइन रहते भी हैं, लेकिन इतने सारे लोग में से बहुत सारे लोग तो नाटक करते हैं, क्योंकि मतलब मैं तो जितने को भी देखता हूँ किसी से पूछो पेपर कैसा गया, मतलब पेपर पूछना इसलिए हो जाता है कि ताकि अपना लग जाए कि पास होंगे कि नहीं होंगे, तो हर कोई यही बोलता है एक छूट गया दो छूट गया, और मेरा ऐसा रहता था कि एक दो नहीं छूटता पूरा छूटता 10-12 छूटता था, और उसमें पता नहीं रहता था कितना गलत है कितना सही है, बस अटेम्प्ट करके आना है। माता पिता के लिए कितना मुश्किल था आप लोगों को पढ़ाते रखना, क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई बच्चों को भी काम पर लगा दो थोड़ी आमदनी बढ़ेगी, वो कितना प्रेशर था? वो मतलब जैसे काम पे करने का था तो स्कूल टाइम पे तो हम स्कूल जाते थे, उसके बाद में ये था कि खुद को लगता था कि नहीं करना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा बहुत करते थे, उसके लिए तो बकरी वगैरह भी चराई है, जो कच्चा आम होता है उसको केरी बोलते हैं हमारे तरफ, वो भी बेचते थे गाँव में, तो गाँव में पूछते थे कहाँ करता क्या करता है, पढ़ता लिखता नहीं है क्या, नहीं नवोदय में पढ़ता हूँ, तो फिर यहाँ केरी क्यों बेच रहा है, नहीं छुट्टी में आया हूँ ना इसलिए, अच्छा अच्छा चलो ठीक है। फिर सब्जी बेचते लेते थे कभी कभी, मतलब घर पे ही सब्जी उगा के उसमें ज़्यादा लग जाती थी, इतना घर पे खा नहीं पाते थे तो वो बेच लेते थे। ये सब काम आपने किए हैं? हाँ। किस उम्र में? ये मैं जब 8th क्लास में था 9th क्लास में था तब किए, क्योंकि छुट्टियों में नवोदय से आते थे तो ये काम करते थे। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त भी थे जो मतलब गाँव में ही रहते थे और वो भी मेरे ही साथ पढ़ते, थोड़ा मतलब ऐसा मैं बच जाता था इस गली से नहीं जाना है क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना कि वो क्लास में जाके सब बताएंगे, वो लोग थोड़े अच्छे घरों के होंगे वैसे। हाँ वो लोग अच्छे घर के, तो उनसे आप नजरें बचाते थे? हाँ मतलब अच्छा नहीं लगता ना क्लास में जाके बताएंगे कि अच्छा सर हम वो आम बेचे, और वो भी मान लो घर में बुला लिया हाँ आम चाहिए, तो मतलब थोड़ा कैसा लगेगा अजीब सा लगेगा, इसलिए मैं नहीं जाता था यूजुअली वहाँ पे। और पापा का था तो पापा तो दिन में काम करते थे, पापा ने तो वैसे बहुत सारे काम किए, सब्जी भी बेचे हैं, उसके बाद में क्या करते थे घर पे कुछ मिठाई बनाते थे और नमकीन बनाते थे, वो दिन में बेचते थे और रात में खेत में पानी देते थे।
इवन कभी कभी मैं भी जाता था रात में, लेकिन मेरे को तो ठंड लगता था तो जल्दी नींद आ जाता था, लेकिन पापा करते रहते थे क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि दिन में सब लोग करते हैं तो दिन में कुएं का पानी ख़त्म हो जाता है, रात में कोई नहीं करते तो मतलब जो खेत का मालिक होता है उसको ऑर्डर होता था कि आपको रात में काम करना है, क्योंकि दिन में तो पानी रहता नहीं है तो आपको रात में पूरा पानी ख़त्म कर देना है। तो दिन रात मेहनत की आपके पिता ने। हाँ, वो तो मतलब ऐसा है कि आमदनी कम थी, और जैसे कि प्राइवेट स्कूल में मैं भी पढ़ रहा हूँ, मेरा छोटा भाई भी पढ़ रहा है, बहन भी पढ़ रही, तीनों पढ़ रहे हैं, तो तीनों को पढ़ाने के लिए इतना वो भी है, घर को भी चलाना है। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि माता पिता ने कहा नहीं नहीं पढ़ाएंगे अब ये जो घर में काम है वही देखो? नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब शुरू से मतलब जब मैं नवोदय नहीं गया उसके पहले प्राइवेट में पढ़ाया, वहीं से बोलते थे, मतलब गांव की भाषा में बोलते थे कि चिड़िया होती उसकी जीभ होता है, चिड़िया की जबान होती है, उसकी तरह नोट दे रहा हूँ स्कूल में, तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ। तब लगता था कि हाँ मतलब सही बात भी, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं, और कभी कभी हमको भी फील होता था कि हाँ सच में बहुत हार्ड वर्क है। गाँव की भाषा में कैसे बोलते थे वो? बोलते थे कि चरकली का जीवान जैसे नोट दे रहे हैं। अरे तो लगता होगा ना कि हाँ उस में मतलब बहुत बार ऐसा होता था फीस खुद देने जा रहे हैं, तो मतलब इतना मेहनत से एक एक दिन में 50 रुपये मिलता है, और वहाँ पे फीस देना है आपको 700 रुपये 800 रुपये, तो इतना दिन का वो करके फिर कि इतना पूरा दिन काम करो ये दो और टीचर को फीस दो, टीचर वहाँ पे आके क्या कराएंगे, एक घंटा पढ़ाएंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो उस टाइम हंसी मजाक में थोड़ा मन नहीं लगता था, ऐसा लगता था अरे यार इतना मेहनत करके पैसा दिए इसलिए थोड़ी ना दिए कि हंसी मजाक करेंगे। बहुत ही प्यारी बात कही आपको। मैं एक दो मैसेज सुनवाना चाहती हूँ। आसाराम तू बहुत जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर बेटा, और ऐसी पढ़ाई करके अपना खानदान और अपना दोनों बाप बेटा का नाम रोशन हो जाए। तू मेरा बेटा है, पढ़ाई ऐसी करना कि अपने भारत में नाम हो जाए। तेरे को यहाँ आके बहुत पेशेंट का इलाज करना है, और इसीलिए मेरा तेरा कहना चाहता हूँ कि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में रहेगा बेटा। आसाराम अपन बहुत गरीबी से उठे है, अपन बहुत गरीब है, इसलिए गरीबी को कभी मत भूलना। इतने बड़े डॉक्टर बन के आओगे और आज भी गरीब है, अपन कैसे गुजारा चलता है अपना अपन जानते हैं, रोज दाड़के करना पड़ता है, लोगों की बात सुननी पड़ती है। सबका इलाज फ्री करना बेटा। वो मेरा मम्मी का हमेशा से कहना है कि मतलब कितने ही बड़े बन जाओ ये मत भूलना कि हम ऐसी कंडीशन से आए। कोई पेशेंट आ रहा है बोल रहा है पैसा नहीं है, ओके नहीं है, ये याद कर लेना कि मेरी मम्मी ने इसको भेजा है। पर जैसे तुम्हारी माँ ने कहा ना कि लोगों की बातें सुननी पड़ती है, कभी अपने हाँ। पेरेंट्स के लिए बहुत बुरा लगा हो कि अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है और हमें इतनी बातें किसी की? जैसे कुछ पड़ोसी लोग होते हैं वही मतलब पापा निकलते हैं तो बोलते हैं मग्गीराम डॉक्टर बनाएगा बेटा के, मतलब ऐसे गांव के कहानत है, बोले कि लोग तो रात में सपने देखते हैं, इधर देखो दिन में ही सपने दिखते हैं, डॉक्टर बनाएगा। कुछ लोग बोलते हैं बाहर भेज रहा ना, बाहर भेज के ऐसा क्या बड़ा काम कर लिया, बाहर तो काम करने भी जाते हैं बच्चे। आपको लगता है कि आपने जो इतना बड़ा सपना पूरा किया है अपने गाँव से अपने परिवार से, तो बहुत सारे और बच्चों को हिम्मत मिली होगी कि हाँ। वो भी कर सकते हैं? हाँ ऐसा लगता है कि वो मतलब कभी कभी लगता है ना, मैं भी देखता हूँ तो हाँ ऐसा कर मतलब बहुत बार लगता है अरे यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम और मैं बताया था पहले भी कि मैं मतलब जब रात को सोता था मुझे लगता था मैं ढूंढता था कि कौन मेरे जैसा हो सकता है कि वो है, लेकिन उस टाइम माइंड में आता है नहीं उसका कंडीशन मेरा कंडीशन डिफरेंट है, ऐसा है वैसा है। अगर सेम कंडीशन वाला मिलता है तो मन में ये रहता है कि चलो जो इसका होगा वो मेरा हो जाएगा, या कोई मतलब सीनियर्स देखते हैं सेम कंडीशन वाला था ओके वो लोग भी क्लियर किए हम लोग भी कर लेंगे, मतलब उस टाइम ऐसा लगता है। इंस्पिरेशन मिलता है। कोई और मुश्किल वक्त अपना कोई शेयर करना चाहोगे? उसके बाद जब नवोदय में जब गया था मैं, मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़े थे, एक ही जोड़ी कपड़े लेके गया था, और वहाँ पे कल ड्रेस पहन के आना है, ड्रेस तो लाया ही नहीं, मैं सोच रहा हूँ ठीक है यही पहन के चले जाता। जब इंट्रोडक्शन होता है शुरू में आते हैं तो इंट्रोडक्शन में मतलब सबसे पूछा जा रहा था नाम बताना है, पापा का नाम बताना है, पापा क्या करते हैं, तो कोई बताया था मेरा पापा टीचर है, मेरी मम्मी टीचर है, पापा एडवोकेट है, कोई बोलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, कोई मतलब कहाँ है। अब मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूँगा, तो मम्मी का तो बोल दिया कि हाँ मम्मी हाउस वाइफ है, मतलब ठीक है मम्मी का तो मान लेंगे, लेकिन अब ऐसा तो बोल नहीं सकता पापा कुछ नहीं करते हैं, और वो बोलूँगा तो मतलब क्या बोलूँगा, पापा तो मल्टीपल काम करते हैं, सब लोगों के बीच में बोलना है क्या काम करते हैं, सब ऐसे गिनाना है खेतों में ये भी काम करते हैं, कभी बोरी भी उठा लेते हैं, कभी खेत में पानी भी दे देते हैं, गाँव में फेरी वाले की तरफ फेरी लगाते हैं नमकीन का, या फिर कचरा बीनते हैं, सबका मतलब मल्टीपल काम बताना ही सच में बोल देता हूँ कि वर्कर है। पर मुझे तो लगता है कि आज की तारीख में आपको सबसे ज्यादा फक्र होना चाहिए ना इस बात। अब बता सकते हैं ना, अब बिल्कुल बताते हैं, लेकिन उस टाइम ये रहता था ना कि मतलब ऐसा बताना अच्छा नहीं लगता था उस टाइम। अब यहाँ जब एम्स में आयो तो यहाँ बताने में थोड़ा सा लगता है कि नहीं यहाँ पे नहीं लगता है। पहले बात तो मतलब एम्स का जो मतलब इन्वायरमेंट है यहाँ पे सब लोग जानते हैं और सब लोग सपोर्टिव है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात थी। चलिए एक मैसेज आपको सुनवाती हूँ।
बहुत गरीब परिवार का लड़का था, उसके पिताजी फन्नी बनते थे और मेरे को उसके अंदर प्रतिभा के गुण दिखाई देते थे। तो जब भी मैं उससे बातें करता था पढ़ाई के बारे में तो वो अच्छी बातें करता था और उस चीज़ को समझता था, और इसलिए हम लोगों ने उसका सपोर्ट करा और आज वो इस मुकाम पे पहुंच गया। हमको बड़ी खुशी है कि उसके अंदर प्रतिभा के गुण दिखते थे और बहुत मेहनत करने के बाद भी है तो कुछ लोग सफलता नहीं हासिल करते, उसने सफलता हासिल करी है, बड़ी खुशी की बात है। मतलब हमारे गांव में जिस डॉक्टर की मैं बात कर रहा था वही है और वही बाद में हेल्प की है, क्योंकि जब दक्षिणा में पुणे में को छोड़ने जा रहे थे, मैं बताया कि जब मेरे को जाना था उसके दो दिन पहले ही मेरे को कॉल करके बोले तो जाने के लिए टिकट चाहिए, ये चाहिए, तो वो सब करके दिए थे। मतलब पापा गए थे तो मतलब ज़्यादा एज है पापा का, लगभग अभी 72 के लगभग एज है, तो पापा गए थे तो ये बोले थे कि अरे बा टेंशन मत लो मैं हूँ ना, फिर टिकट वगैरह सब करके सब कर दिए थे, साथ में पैसे दे दिए थे, ठीक है छोड़ के आ जाओ बाकी अपन बाद में देख लेंगे। जब भी कभी फाइनेंशियल जरूरत पड़ता था मेरे को कॉल करके बोलते हैं हाँ सर हम कैसा है, हाँ पैसे की बात हो तो इधर बोल दिया कर, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो इधर बोल दिया कर, खुशी की बात हो तो घर पे बोल दिया कर। तो मेरे को थोड़ा वो वाला पार्ट अच्छा लगता है, मतलब कोई इंसान है जो बोल रहा है कि खुशी वाला पार्ट अपने मम्मी पापा को दे दो, दुख हमें दे दो, ये बड़ी बात है, ऐसा कोई रेयर ही मिलते हैं ना। अब एक बात बताओ मुझे वो दिन वो लम्हा हमारे साथ शेयर करो जब ये खबर आई कि एम्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। जब एम्स में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो तब तो मैं पहले नीट का रिजल्ट आ गया था, वो नीट का रिजल्ट ये का लास्ट डेट था पेमेंट करने का, मतलब उसके लिए क्वेश्चन मनी डालना होता है अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्वेश्चन मनी डालने का लास्ट डेट था 18 तारीख को रिजल्ट आने वाला था। तो 2 बजे तक मैंने क्या किया कि वहाँ पे जाके उसको पेमेंट करना है, अगर नहीं किया तो उसका लगे साइट बंद हो जाएगा। मैं सोचा था अगर एम्स का रिजल्ट, क्योंकि एम्स का पेपर अच्छा गया था और नीट का तो बिगड़ ही गया था, मैं सोच रहा अगर एम्स का रिजल्ट आ जाए तो मैं पैसा नहीं डालना पड़ेगा। कितने पैसे देने उसका? 5000। 2 बजे में थोड़ी देर होगी कि पेमेंट के, उसके बाद मैं बस में आके बैठा कि मेरे पास कॉल आया, कॉल हमारे अरुण सर का था, बोले कि हाँ सर हम मिठाई खरीद के अपने पापा को खिला दो। मुझे लगा कि नीट के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने पेमेंट वगैरह कर दिया है और सर्टिफिकेट बन गया। बोले क्यों? अरे बोले 707 रैंक है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, दिल्ली मिल रहा है, जोधपुर मिल रहा है, भुवनेश्वर, मतलब रैंकिंग वाइज रहता है, तो उसमें कौन सा मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन एम्स तो मिल ही गया। खुशी मनाओ, मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे बच्चे हैं और थोड़ा ये भी रहता है ना, मतलब इतना डर लगता है क्योंकि बच्चे उस टाइम कुछ 4 लाख से ज़्यादा बच्चे एग्जाम, 4.5 लाख। जानती हूँ क्योंकि मैंने ये सब एग्जाम दिए हुए हैं, इसलिए मैं जानती हूँ कितना डर लगता है। 4.5 लाख बच्चे एग्जाम दिए और उसमें 707, मतलब कि थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि वो लोग कितने अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो कुछ कुछ तो मैंने ऐसा भी सुना था कि कुछ कुछ बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं कोचिंग वाले, उनके लिए अलग से एक रूम होता है, वहाँ पर टीचर खुद आके पढ़ाते हैं, खाना खुद देना आते हैं, तो मतलब अगर उनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट है तो मतलब पहले उन लोगों का रैंक छोड़ देते हैं उसके बाद अपना देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो 707 रैंक था, मैंने PDF में चेक किया, 707 रैंक है, ठीक है, वो रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर मैंने रोल नंबर एडमिट कार्ड खोला, रोल नंबर देखा 803 803, ये फिर एक एक करके चेक किया, क्योंकि मैं कुछ भी मतलब कंफर्मेशन से पहले फिर पापा को बोला कि पापा एम्स में हो गया, तो मतलब अब हर कुछ एग्जाम होता था पापा को बताता था पास हो गया, तो मैं मतलब इतना उस टाइम थोड़ा ऐसा लगा था कि मतलब पापा को बोला एम्स में हो गया, बोला कि अरे बेटा हमेशा से पास होते आया है, जब टीचर्स वगैरह बहुत सारे कॉल आ रहे थे तो पापा को थोड़ा लगा होगा कि हाँ सच में ये है, तो पापा को खुशी हुई। फिर पापा ने उस दिन कुछ घर में मतलब मम्मी से बोला था कि आज स्पेशल बनाना है, फिर स्पेशल भी बनाए थे। क्या बना था उस दिन? उस दिन पूरी बनाए थे, पकौड़े बनाए थे, आलू की सब्ज़ी बनाए थे जो मेरा फेवरेट है। पूरी और आलू की सब्ज़ी फेवरेट है? हाँ, तो वो उस टाइम उस दिन बनवाए थे और साथ में मतलब पकौड़े बनाए थे, रेली बनते हैं हमारे घर पे, तो वो बनवाए थे उस दिन के मतलब सिलेक्शन हुआ, जब शाम तक पता चला था क्योंकि हर कोई कॉल करके बोल रहा था कि अच्छा सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। वो फाइनल करने के बाद में हुआ कि मतलब लिस्ट आया था उसके बाद में कि आपको ये बुक्स खरीदना है, ये खरीदना है, साथ में ये ड्रेस लाना है, ये सब करना है, अब ये दिक्कत हो गया, ये क्या करना है। तो उस टाइम बायो सर को मैंने बताया, अरे बोले इतना क्यों टेंशन लेते हो, सर ने अकाउंट नंबर पूछा, मैंने अकाउंट नंबर दिया, सर ने ट्रांसफर कर दिया था उस टाइम। कितना खर्चा था? उतना कुछ मतलब मुझे लग रहा था कि 8000 तक का खर्च हो जाएगा, 8000 मैंने सर को बोला, सर अप्रोक्सीमेट 7000 इतना हो रहा है, तो बोले कि नहीं पूरा बताओ कितना हो रहा है, क्योंकि 7000 हो रहा है, बोले ठीक है 8000 मैंने आपका अकाउंट में डाल दिया है, सब कुछ ये करके ले आना है। तब लगा था हाँ मतलब टीचर का थोड़ा लगता है ना कि हाँ मतलब कितने पढ़ाने के अलावा भी बहुत कुछ कर रहे हैं। वाकई जब ऐसे लोगों की कहानी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कई बार हम में से बहुत सारे लोगों के लिए 7000 8000 10000 रुपये शायद हम लोग एक रात में एक होटल में खाना खाने जाते हैं और वहाँ खर्च कर देते हैं, और जब ये सोचिए कि एक बच्चे के लिए उसकी किताबें और उसकी यूनिफॉर्म के लिए वो रकम कितनी बड़ी हो सकती है, और काश कि हम में से हर कोई किसी ना किसी बच्चे की मदद कर सके तो कितने सारे बच्चों की ज़िंदगी आसान हो जाए ना। आश्रम वही मेरा मम्मी का कहना है कि मतलब पैसे से कुछ नहीं, पैसे तो लाइफ में बहुत मिलेगा ना, लेकिन मतलब किसी की मदद करोगे तो वो हमेशा याद रखेगा। आज अगर मैं आपसे कहूं कि जिन लोगों ने आपकी बहुत मदद करी है उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहो तो आज आप कैसे उन लोगों को थैंक यू कहना चाहोगे? आज जो भी कुछ हूं उनकी वजह से, नहीं तो मैं भी शायद आज पापा के साथ वही काम कर रहा होता
जो मतलब कचरा बीनने का काम है वही कर रहा होता, क्योंकि अब हम जंगल में रह रहे हैं अकेले, खेतों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो रिकॉग्नाइजेशन मिलना नहीं कहीं पे, तो उस टाइम तो हो नहीं पता, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इतना मदद किया वो बहुत बड़ा बात है। मेरे को रेयरली दिखता है कि रेयरली कोई लोग ऐसे मिलते हैं और एक्सपेक्टेशन से बाहर होता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और बोलना चाहता हूँ कि मतलब आज जो भी कुछ हूँ आपकी वजह से हूँ, और मतलब आपके लिए तो वही हूँ जो पहले था। मतलब कुछ कुछ लोग बोलने लगे, हाँ सर कैसे हो, तब लगता है क्या बोल रहे हैं, सर नहीं हूँ बल्ला नहीं हूँ, बोले नहीं सर अचीवर लोगों के लिए होता है, नहीं तो आपके लिए अचीवर नहीं होना, अचीवर तो आप लोगों ना, आप लोगों ने मदद किया, आप लोगों को मतलब वो होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ अचीव किया। हमेशा ये सोचना, कभी भी बदलना मत, है ना, जिन्होंने आपकी मदद की है, और कल को जब इस लायक बन जाओ तो और बहुत लोगों की मदद करना, है ना। अच्छा एक चीज़ और, जिन लोगों ने मजाक उड़ाया या जिन लोगों ने कभी जाने अनजाने दुख पहुंचाया, उनको क्या कहना चाहते हो? उनको यही कि मतलब हाँ ठीक है, अभी प्रेजेंट कंडीशन ना देखें, मतलब अधिकतर जनरल जो सोसाइटी में जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि प्रेजेंट कंडीशन, कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो ना देख के ये देखें कि मतलब ठीक है अभी जो टैलेंट वाला कंडीशन देखो, ये देखो, मनी वाला तो नहीं है, मनी तो मतलब बोलते हैं ना गांव में भी बोलते हैं पैसा तो आता जाता रहता है, और अगर पैसा आता जाता नहीं है उसको अगर छुपा के रख भी लिए तो कोई काम का नहीं है, तो जो देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए कि मतलब हाँ पैसे के बेस पे मान रहे हैं आजकल, पावर के बेस पे मान रहे हैं कि पॉलिटिक्स में है तो ये है तो वो है, तो वो ना देख के थोड़ा मतलब वो कंडीशन देखे कि हाँ कर सकता है, एबिलिटीज सब में होता है थोड़ी बहुत, तो वो एबिलिटीज़ देख के उसके बेस पे उस इंसान को सोचे कि हाँ ये क्या है और मैं क्या हूँ। किसी ऐसे इंसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिसके लिए आप समझते हो कि वो नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सा बच्चा क्या करने की ताकत रखता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो अभी भी मैं किसी को देखता हूँ तो मतलब ऐसा सोचता हूँ अच्छा ये क्या पता कल से ये कहीं से सामने आ जाए, अच्छा ये हूँ। कई बार हुआ कि लोगों से आपको मदद मांगनी पड़ी, क्या कहते थे आप उस समय, थोड़ा लगता था? सबसे तो पहले तो रिलेटिव्स आते हैं काम, रिलेटिव्स मतलब अच्छा अब पैसे का थोड़ा ज़रूरत है, अरे पैसे का अभी तो पैसे की बात ही मत करो, अरे अभी तो क्या है कि फसल में ये हो गया है, मतलब वो हर एक लोगों का वही रहता है, हर एक मतलब हमारे घर में नहीं सब घर में किसी भी रिलेटिव से अच्छा वो अरे पैसे का तो क्या बताएं, मतलब अभी तो तुम दे दो तो बढ़िया बात है, क्योंकि वो अभी बीमार पड़े हैं अब क्या बताएं, वो बताना भूल गए नहीं तो मतलब खबर लेने के लिए सबको अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी। वाकई आज आशाराम की बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि बहुत बार ऐसे मौके ज़िंदगी में हमारे सामने भी आते हैं जब किसी को ज़रूरत हो और शायद हम बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत बड़ी सीख ये है कि अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए या किसी के माता पिता अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे मांगे तो जितना हो सके हमें मदद करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा करो लेकिन एक लिस्ट कर देंगे तो ये लगेगा कि चलो ठीक है मदद की है, और वैसे इतना कभी नहीं हो सकता कि हम मदद ही नहीं कर सकते, मतलब हम इसे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। अब बताओ, अब एम्स में सिलेक्ट भी हो गए, इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आ गई, अब आगे क्या करना है ज़िंदगी में? अब MBBS कंप्लीट होने के बाद में मैं मतलब न्यूरो सर्जन बनना चाहता हूँ। अरे वाह, तो न्यूरो सर्जन सबसे मुश्किल ब्रांच है। हाँ ये पहले पता नहीं था सबसे मुश्किल है, पहले से सोच लिया कि न्यूरो सर्जन और पता नहीं क्यों है ऐसा कुछ, पहले स्पेशल इंटरेस्ट नहीं था, अब न्यूरो सर्जन सोच लिया तो उसी में इंटरेस्ट आता है, ठीक है अब करना है सोच लिया तो। जिंदगी एकदम बदल गई आशाराम? हाँ बिल्कुल, जिंदगी तो बदल गया, पहले जो था अब मतलब बहुत कुछ बदल गया। एक तो मेरा घर पक्का नहीं है, कच्चा घर है, उसमें भी ये है कि जब बारिश आता है तो घर में से उठ के बर्तन लेके मतलब यहाँ गिर रहा ठीक है यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पे रख दिए, यहाँ गिर रहा तो यहाँ खड़े हो गए, या फिर ज़्यादा ही बारिश आ रहा है तो ठीक है ऊपर मच्छरदानी लगा के ऊपर उसके ऊपर पॉलीथीन डाल दी, मतलब बरसाती बोलते हैं वो डाल दी, तो पानी नीचे गिर जाएगा ऑटोमेटिकली, अंदर सेफ सोए रहेंगे। अभी कुछ नहीं है, अभी तो बारिश आता है तो रूम में चले जाएंगे, और घर पर है तो पहले टॉयलेट वगैरह का भी नहीं था, अभी हो गया 2-3 महीने से, मतलब वो हमारे MP के CM उन्होंने कुछ करवाया अरेंजमेंट। अब ये लगता है कि जल्दी से डॉक्टर बनूं, अपने मम्मी पापा के दिन बदल पाऊं, मेरे दिन तो बदल गए। हाँ बिल्कुल ये लगता है, मतलब ऐसे कभी कभी डॉक्टर बनना है तो पहले ये करना है फिर ये करना है फिर मम्मी फिर पापा के लिए कार खरीदना है फिर ये करना है, ऐसे मन में सोचता हूँ अच्छा एक रूम बनाऊंगा घर में तो उसमें पापा के लिए AC लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, मतलब ऐसा लगता है कभी। अच्छा हम चलते चलते बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे देश में हैं जिनके पापा लोग ऐसे जैसे आपके परिवार के हालात रहे हैं उन हालातों में हैं, लेकिन सपने बड़े हैं, ऐसे हर बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मतलब सबको यही कहना चाहूँगा कि मतलब कोई भी सक्सेस हो, हाँ डिफ़िकल्टी ज़रूर हो सकता है, लेकिन सक्सेस मिलने के लिए कोई वो नहीं डिफरेंस नहीं होता है कि मतलब किसी के पास 1 करोड़ रुपये हैं और आपके पास 1,000 रुपये हैं तो उसको अलग ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, किसी को कम सक्सेस नहीं, सक्सेस सेम लेवल का मिलेगा, लेकिन ये है कि यहाँ आने तक डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होगा यहाँ कम होगा, लेकिन उन लोगों को इजी होगा तो उन लोगों को बाद में मज़ा नहीं आएगा, सक्सेस मिल गया तो उन लोगों को ठीक है मिल गया,
और जब इतना डिफिकल्ट करके वो सक्सेस मिल गया तो ज़्यादा खुशी मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आशाराम से मिलकर, और इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपसे मिल रही है, आँखों में जो चमक है, ऐसा लग नहीं रहा कि आशाराम ने शायद इतना मुश्किल वक्त देखा होगा। बहुत पॉजिटिविटी है इनके मन में, और मैं चाहूँगी कि ऐसी ही पॉजिटिविटी आप हमेशा बरकरार रखें और अपने आसपास ये ऊर्जा फैलाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करूँगी कि और बहुत सारे बच्चे आपसे इंस्पायर हों। एक छोटा सा तोहफा हमारे